हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं लेके आ गया मोटोरोला का दो न्यू स्मार्टफोन के बारे में। आज हम दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे और क्या नए नए फीचर्स है, क्या इसकी प्राइस हो सकती है और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोटो जी 10 पावर और मोटो जी 30 स्मार्टफोन के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको दो नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले दोनों फ़ोनों के अंदर कॉमन फीचर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। मोटो जी 10 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी जाएगी, साथ में 20 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर दिया है। वहीं G30 के अंदर आपको 5000 mAh बैटरी दी गई है और 20 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको USB A to C केबल दी गई है। वहीं आगे बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में गाइस। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है G10 पावर के अंदर, साथ में इसके अंदर नॉर्मल रिफ्रेश रेट 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं G30 के अंदर आपको थोड़ा सा रिफ्रेश रेट हाई दिया गया है, इसके अंदर आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, वहीं 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं एंड्रॉयड की बात करें गाइस, OS एंड्रॉयड की बात करें, इसके अंदर एंड्रॉयड 11 दिया गया है। एंड्रॉयड आउट ऑफ बॉक्स दोनों स्मार्टफोन के अंदर G10 पावर और G10 30 के अंदर, और साथ में 2 ईयर तक एंड्रॉयड अपडेट सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे मोटोरोला। मतलब कि एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 30 दोनों इस एंड्रॉयड आपको मोटोरोला आपको प्रोवाइड कराएगा। इस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये आपको बहुत ही अच्छा फीचर्स मोटोरोला दे रहा है अपनी तरफ से। और आगे बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। G10 पावर के अंदर आप जो आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है वो है 48 MP कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा सेटअप जो फर्स्ट है 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल, सेकेंड है आपको 48 MP प्राइमरी कैमरा, थर्ड 2 MP माइक्रो शॉट्स के लिए और लास्ट में 2 MP डेप्थ शॉट के लिए, और पीछे LED फ्लैश लाइट और है मोटोरोला की ब्रांडिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। वहीं G30 के अंदर बात करें गाइस, इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप दे रखा है। फर्स्ट 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल, सेकेंड है 64 MP प्राइमरी कैमरा, थर्ड है डेप्थ के लिए और लास्ट में माइक्रो शॉट्स के लिए 2 MP दोनों दे रखे हैं। वहीं इसके अंदर LED फ्लैश लाइट और है फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो G10 है इसके अंदर आपको जो सेल्फी कैमरा दे रखा है वो 8 MP सेल्फी कैमरा दे रखा है, वहीं G30 के अंदर वहीं आपको 30 MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको G10 के अंदर एडवांस सिक्योरिटी फीचर दिया गया है थिंक लेस फॉर मोबाइल दोनों स्मार्टफोन के अंदर, G10 पावर के अंदर और G30 स्मार्टफोन के अंदर। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉयड OS कोर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड बिल्ड फॉर हार्डवेयर सिक्योरिटी आपके स्मार्टफोन के अंदर और सिक्योर पॉलिसी फॉर चैन दोनों स्मार्टफोन के अंदर, जो भी आपका डाटा है सिक्योर रहेगा, कहीं भी आपको मिसयूज नहीं होगा। ये आपको एक अच्छा फीचर्स मोटोरोला के अंदर देखने को मिल सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस फीचर। आप मुझे बताइए आपको ये फीचर कैसा लगा, एडवांस थिंक लेस शीड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। बात करते हैं G30 के अंदर आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, वहीं G10 पावर के अंदर भी सेम 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ सिंगल वेरिएंट के साथ दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। प्रोसेसर की बात करें G10 30 के अंदर, इसके अंदर आपको कोर कॉलम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर दे रखा है, वहीं G10 पावर के अंदर आपको कोर कॉलम का स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर दे रखा है। रैम टाइप की बात करूँ 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ जो रैम है LPDDR4X, वहीं स्टोरेज टाइप की बात करूँ EMC स्टोरेज टाइप दे रखा है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। और इसके अंदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैन दोनों ही बहुत फास्टली काम करते हैं। साथ में इसके अंदर आपको IP52 का सपोर्ट दिया जाएगा, नॉर्मल बारिश की छिट्टियों के अंदर आपको अपना फोन यूज कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अंदर क्लीन एंड्रॉइड स्टॉक देखने का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गाइस। कोई प्ली इंस्टॉल्ड ऐप आपको देखने को नहीं मिल सकती दोनों स्मार्टफोन के अंदर, बहुत ही नीट एंड क्लीन स्मार्टफोन है दोनों ही। अब आगे मैं इसके बारे में प्राइस की बात करना चाहता हूँ। दोनों स्मार्टफोन के बारे में जो प्राइस है बहुत बजट की प्राइस है। जो G10 की प्राइस है 9999, जिसकी फर्स्ट सेल है 16 मार्च स्टार्ट होने जा रही है। वहीं G30 की प्राइस है 10999, जिसकी जो फर्स्ट सेल है 17 मार्च स्टार्ट होने जा रही है। दोनों ही जो स्मार्टफोन है दोनों ही वाकई में बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है, इसी के अंदर असली ऑलराउंडर कह सकते हैं दोनों स्मार्टफोन को। आप मुझे बताइए मोटोरोला G10 पावर कैसा लगा और G30 दोनों स्मार्टफोन के बारे में क्या आपकी राय है, लुक्स फीचर्स के बारे में और सिक्योरिटी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हमेशा की तरह लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।